हेलो गाइस, दिस इज प्रेम कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज 31 मई है और आज के दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तौर पे मनाया जाता है, नो टबैको डे के तौर पे मनाया जाता है। तो गाइस, इन तमाम पहलुओं के बारे में कि क्यों हम इस दिन को मनाते हैं, क्या मनाने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दिन को मनाया क्यों जाता है। तो गाइस, तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य पे जो बैड इम्पैक्ट होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, उनके प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को, हर साल 31 मई को ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है। गाइस, इसकी जो शुरुआत होती है WHO के थ्रू 1987 में इसकी पहली बारी शुरुआत होती है। जितने भी WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं, इस दिन को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हुए थे और इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। गाइस, हम अगर इस बार की बात करते हैं, 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम रखा गया है, वो गाइस पर्यावरण की रक्षा करें, वो इसका इस बार का थीम है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अब गाइस, हम बात करते हैं इसके स्वास्थ्य पे प्रभावों के बारे में। तो गाइस, तंबाकू के सेवन से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। लगभग 40 प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं, यानी 40 टाइप कैंसर्स हैं, चाहे वो गले का हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, इन सभी के पीछे क्या है, ये बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो तंबाकू का जो सेवन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। लगभग आपके 40 प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनके लिए तंबाकू जिम्मेदार होता है। इसके बाद अगर गाइस बात करते हैं तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के हिसाब से लगभग हमारे बात करते हैं तो 27 करोड़ लोग जो हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, और इनमें से हर साल लगभग 12 लाख लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, दर्दनाक मृत्यु उनकी हो जाती है इस तंबाकू सेवन करने से। अब गाइस, हम बात करते हैं पर्यावरण पर इनके प्रभाव के बारे में। तो तंबाकू के सेवन से पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गाइस हर साल लगभग अगर हम बात करते हैं तो 84 करोड़ टन के आसपास इससे CO2 पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में और अन्य जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं उनमें क्या करता है, इजाफा करता है, उनमें बढ़ोतरी करता है। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करते हैं तो तंबाकू के उत्पादन के लिए लगभग हर साल 60 करोड़ के आसपास जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है। तो गाइज, इससे पर्यावरण पे घातक दुष्प्रभाव इस पर पड़ता है, इसके भयंकर परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। गाइज, अगर हम बात करते हैं तंबाकू की किस्मों के बारे में, तो इसकी जो दो फेमस किस्म है उसमें हम बात करते हैं निकोटीना टोबेका और निकोटीना रस्टिका, ये इसकी दो पॉपुलर किस्में हैं। अब हमारा आपसे सवाल है, आपको बताना है कि जो तंबाकू है उसके उत्पादन के लिए सर्वाइवल कंडीशंस क्या हैं, यानी कि आपको बताना है उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, आपको बताना है उसके लिए सोयल कैसी होनी चाहिए, आपको बताना है उसके लिए जो पानी है क्या उसमें रेन की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, उसके लिए क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए। तो गाइज, ये आपसे चार सवाल हैं जिनके जवाब आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देने, बाकी अपना ध्यान रखें और तंबाकू से हमेशा के लिए तौबा कर दें, क्योंकि तंबाकू जानलेवा है। थैंक यू सो मच।